बड़ा बुजुर्ग जिसकी आप बात कर रही थी वो बड़ा बुजुर्ग मैं ही हूँ। लोग एक्सट्रीम विल्डरनेस में और खेतों में शूट कर रहे थे जहाँ धूल उड़ती है, जहाँ लू चलती है। अभी राइटिंग चल रही है, अभी हम लोग धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे हैं कि सीजन 4 कहाँ तक जाना चाहिए और रिलीज कब तक होगा। नेक्स्ट ईयर टाइम वाले चाचा डिसाइड करते हैं। तो अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होती है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन जैसा फील होने लगे। वो तो गाँव के बोले वाले लोग है ना, एक हल चलाते हैं और हुक्का पीते हैं और बट वो रियलिटी अब है नहीं गाँव की, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे आर्ट डायरेक्शन हो, चाहे कॉस्ट्यूम भी किया है मैंने, मैंने कपड़े भी प्रेस किए एक्टर्स के और मैंने सब कुछ किया है। हेलो हाय, वेलकम टू एनजी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं दीपक मिश्रा। सो सर, मैं इस लाइन के साथ इंट्रोडक्शन शुरू करूंगी कि पंचायत जो है वो ठंडी शामों की तरह है इस तपती हुई दोपहर में, धूप भरी दोपहरों। अब इस ठंडी शामों जैसी ठंडक देने के लिए जो पीछे जो इसकी पूरी टीम लगी है उसे कितनी धूप का सामना करना पड़ा है। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। आई थिंक सीजन 1 में तो हम प्रॉपर अप्रैल मई में शूट कर रहे थे जब व्हेन इट वाज द हॉटेस्ट टाइम इन मध्य प्रदेश। और एम आई ऑडिबल टू यू भावना? तो हम लोग हॉटेस्ट टाइम में कर रहे थे, टेम्परेचर वाज अराउंड 48 डिग्रीज और लू चल रही थी। मतलब इमेजिन स्टैंडिंग इन अ माइक्रोवेव ओवन एंड यू विल गेट इट, ठीक है। तो और उसमें भी हम लोग एक्सट्रीम विल्डरनेस में और खेतों में शूट कर रहे थे जहां धूल उड़ती है, जहां लू चलती है। और हम लोग तो क्रू को तो फिर भी, चूंकि हम लोग 12 घंटे खड़े रहते थे तो आदत थी, एक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और आप किसी भी एक्टर से बात कर लीजिए, एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट कि वो हीट वेव क्या था जिसमें हमने शुरू किया, जबकि उस समय तो हमें पता भी नहीं था कि ये शो पंचायत बनने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा गर्म था और उस पूरी गर्मी में हमारा संकल्प बस इतना था कि कुछ ठंडा और कुछ शाम जैसा माहौल जिसको हम लॉन्ग करते थे उसको हम पर्दे पे उतार सके। अच्छा, बल्कि किससे मेरी बात हो रही थी, आई थिंक रिंकी से, जो जिन्होंने रिंकी का कैरेक्टर, सॉरी रवीना का कैरेक्टर प्ले किया है, उनसे मेरी बात हो रही थी, आंचल से। उन्होंने कहा था कि हमने जरा भी फेक लाइट इसमें यूज नहीं किया, सब नेचुरल लाइट थी, सब कुछ हमने बहुत नेचुरल स्पॉट्स पे जाके किया है। तो वो भी एक टास्क था लेकिन फाइनली हो गया। अच्छा दीपक सर, पंचायत सीजन 1 आई, सीजन 2 आया, सीजन 3 आया। अब जब हम लोग ये बात करते हैं ना तो हम लोगों को वो वाला टाइम याद आता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारे जमाने में मालगुडी डेज आता था, एक ऐसा शो बना था, एक ऐसी चीजें थी। अब समवेयर हम लोगों को भी ये फील होता है कि जो थोड़े यंग लोग हैं उनको बोलते हैं कि 2 साल कुछ पहले सीजन 1 आया, सीजन 2, ये एक पूरी, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक नॉस्टैल्जिया हम लोगों को लगता है, प्लस एक क्या बोलेंगे उसको, एक कैरी करता हुआ चला आ रहा है, एक 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 रिचुअल बन गया है पंचायत का आना जैसे कि। तो क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है आपको जब पैप हिट हो गया सीजन 1, सीजन 2 और अब सीजन 3 भी? पहली बात तो वो बड़ा बुजुर्ग जिसकी आप बात कर रही थी वो बड़ा बुजुर्ग मैं ही हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली फील होती है क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो ऐसा मेक श्योर किया था कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी रहे कि लोग अगर ऑन कर दें शो को तो देखेंगे, ठीक है। हमें डर ये था कि ऑन करेंगे भी कि नहीं करेंगे, है ना। तो लेकिन थैंकफुली लोगों ने ऑन किया और इतना ऑन किया कि 4 दिन में 12 मिलियन व्यूज आ गए हैं अभी, क्या बोलते हैं, पंचायत सीजन 3 के। तो ये जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करता है और जितना ज्यादा से ज्यादा दिलों को टच करता है उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगला सीजन, अभी आपने 3 देखा, अब आपको 4 देखने का मन कर रहा है, हालांकि अभी शुरुआत ही हुई है 4 की। तो अब और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है कि इतने सारे लोगों को पसंद आया है, गांव गांव के लोगों को पसंद आया है, यूएस में, अमेरिका में लोगों को पसंद आया है। तो अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होती है कि यार ऐसा कुछ ना हो जाए कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स के लास्ट सीजन जैसा फील होने लगे कि अरे ये क्या बना दिया। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं इस मामले में, बट हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हिट हो गया हिट फॉर्मूले पे ना चले, जो एक बार हिट हो गया उसी को बार बार रिपीट ना करते रहे, हर बार कुछ नया दें ताकि लोगों को नई चीज मिले और उस नई चीज में कुछ अच्छी चीज मिले तो फिर प्रॉब्ली दे विल
लाइक कि हाँ ठीक है जैसा 3 था जैसा 2 था वैसा ये भी है, तो बस बताइए बताइए जी। तो दीपक सर, ये वो दौर था जब जब जनरली फिल्मों में या फिर हम लोग टीवी में देखते थे मल्होत्रा, सिंघानियाज और इन सब के बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े यू नो सीढ़ियां चढ़ती हुई दीवारें और बहुत बड़े तमाम चीजें। अब ऐसे में आता है कुछ एक दुबे, त्रिपाठी, मिश्रा टाइप के लोगों का एक शो, गांव खेतों की बात करता शो, छोटे शहरों की बात करता शो, ये विजन कैसे रहा? आपने अपना ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या बनाया था जब आप पंचायत को इंट्रोड्यूस कर रहे थे? टारगेट ऑडियंस ऐसा एज सच नहीं था, हमारा मन था कि हम गांव के ऊपर कोई कहानी बोले, है ना, और एक रियलिस्टिक सी कहानी, क्योंकि अभी तक हमने जो भी फिल्मों में या कहीं भी देखा है वो गांव का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही ब्यूटिफाइड होता है, वो बहुत ही ऐसा होता है कि अरे देखो तो गांव के भोले भाले लोग है ना, एक हल चलाते हैं और हुक्का पीते हैं और पेड़ों के नीचे बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट वो रियलिटी अब है नहीं गांवों की। तो हमेशा से मन ये था कि यार एक बहुत ही रियलिस्टिक सा शो बनाया जाए, और उस रियलिस्टिक शो को हमने बस इतना ध्यान रखा कि सभी रिलेट कर सके, इसलिए हमने गांव के वर्ल्ड में एक बाहर के लड़के को पुट किया, ताकि जब एक अरबन आदमी उस शो को देखे तो अभिषेक त्रिपाठी के आयु से वो रिलेट कर सके कि हाँ अगर मैं भी गांव में गया तो मैं भी लाइट कटने से फ्रस्ट्रेट होऊंगा, अगर मैं भी गांव गया तो वहां की पॉलिटिक्स से मैं परेशान होऊंगा, है ना। तो बस इतना ध्यान रखा था, बाकी एज सच कोई ऑडियंस नहीं टारगेट की थी, हमने बस एक एंटरटेनिंग शो बनाने की कोशिश की थी कि ऐसा कि कोई भी देखे तो बस उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अच्छा, हमें आप याद है वो पुरुषोत्तम जी के रोल से, परमानेंट रूममेट से, वहां से लेकर अब तक का क्या आपकी जर्नी रही, कितना आप में खुद में आप डेवलपमेंट पाते हैं, कितना डिफरेंस पाते हैं? देखिए जब PR1 परमानेंट रूममेट सीजन 1 आया था तो उस समय मैं असिस्टेंट का ही काम कर रहा था, वो तो मतलब फ्रेंड्स थे बनाने वाले तो उन्होंने कहा कि भाई एक्टिंग कर ले सीजन 1 में, तो सीजन 1 में एक्टिंग की और धीरे धीरे मैं काफी टाइम से असिस्ट भी कर रहा था, तो फिर मैंने जब सीजन 1 कर लिया उसके बाद मैंने शो देखा तो सीजन 1 देख के मैं खुद ही एज अ डायरेक्टर इम्प्रेस हुआ, तो वहां से मुझे लगा कि यार मेरे को और सीखना है, तो आई स्टार्ट वर्किंग इन एवरी डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे आर्ट डायरेक्शन हो, चाहे कॉस्ट्यूम भी किया है मैंने, मैंने कपड़े भी प्रेस किए एक्टर्स के, और मैंने सब कुछ किया है, मतलब एवरी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग, स्पॉट का काम भी किया है मैंने, तो ये धीरे धीरे करके सारा डिपार्टमेंट सीखा, फिर जाके एक होलिस्टिक मुझे विजन मिला कि हाँ डायरेक्शन होता क्या है, वरना लोग ज्यादातर सवाल तो यही पूछते हैं कि डायरेक्टर करता क्या है ना, राइटर लिखता है, सिनेमाटोग्राफर शूट करता है, डीडी अपना आर्ट करता है, कॉस्ट्यूम अपना कॉस्ट्यूम करता है, डायरेक्टर करता है, डायरेक्टर का काम होता है हर डिपार्टमेंट को एक दिशा में रखना, एक डायरेक्शन में रखना, तो वो सब डिपार्टमेंट में काम करके धीरे धीरे सीखा और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और फिर मैंने परमानेंट रूममेट सीजन 2 डायरेक्ट किया, हम रसली सीजन 2 डायरेक्ट किया, देन पंचायत के मैदान। आपकी इस बात ने मुझे याद दिलाती यश चोपड़ा जी की वाइफ ने एक बात कहा था, पामेला जी ने, कि यश साहब बहुत इस बात के खिलाफ थे कि हर डिपार्टमेंट के को एक एक को दे दो, फिर डायरेक्टर का क्या काम रहेगा, कॉस्ट्यूम वाला कॉस्ट्यूम करेगा, ये सब करेगा, फिर डायरेक्टर क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्टर तो सब कुछ करता है। तो बिल्कुल, अब पंचायत का नेक्स्ट सीजन किस लेवल तक पहुंचा है? नेक्स्ट सीजन अभी राइटिंग चल रही है, अभी हम लोग धीरे धीरे फिगर आउट कर रहे हैं कि सीजन 4 कहाँ तक जाना चाहिए, और फिर कुछ दो तीन एपिसोड्स लिखे भी जा चुके हैं, और और बाकी पे काम चल रहा है, होपफुली अगले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर क्या कास्ट वही रहने वाली है या कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे या कुछ चेंजेस होंगे? नहीं, हर बार नए एपिसोडिक कैरेक्टर्स तो आते ही हैं, और हर बार अलाइड कैरेक्टर्स भी आते हैं, हम सीजन 1 और 2 से देख रहे थे कि विकास की एक वाइफ है, तो अब सीजन 3 में हम नाउ अब देख रहे हैं कि नाउ दैट कैरेक्टर हैज कम इनटू पिक्चर, है ना, तो धीरे धीरे वैसे कैरेक्टर्स भी आएंगे, और जैसे नया सचिव आया था वैसे एपिसोडिक कैरेक्टर्स भी आएंगे, बाकी प्राइमरी कास्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, ये 6 लोगों का जो गैंग है ये रहेगा, और 4 लोगों का भूषण का गैंग है वो रहेगा। और रिलीज कब तक होगा, नेक्स्ट ईयर? ये मत पूछिए आप मेरे से, क्योंकि मेरा काम होता है शो बनाना, एडिट करना, और अच्छे से एक फाइनल कट बना के दे देना, उसके बाद प्राइम वाले चाचा डिसाइड करते हैं कि कब रिलीज होगा और कैसे होगा।
ठीक, थैंक यू दीपक सर हमें अपना टाइम देने के लिए। आई नो यू आर वेरी बिजी, आप भोपाल मुंबई वहाँ वहाँ कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। इफ इन केस आपका दिल्ली आना होता है तो प्लीज जरूर बताइएगा, हम एक स्टूडियो इंटरव्यू भी कर लेंगे। और थैंक यू अपने वक्त देने के लिए, एंड पंचायत सीजन 4 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर हैविंग मी।